अभी हम लोग आए हैं मसवड़ के बाज़ार में। मसवड़ ये बाज़ार हफ्ते में एक बार होता है, बुधवार में। ये बाज़ार आजू बाजू के सारे छोटे किसान यहाँ अपने घर के सब्जी या कुछ प्याज आलू लेके आते हैं बेचने के लिए। कुछ इसमें छोटे मोटे व्यापारी भी होते हैं और बाकी ज़्यादातर आजू बाजू के फार्मर्स होते हैं। ये अपने घर की खेती में जो उगा हुआ सब्जी होता है, जैसे टमाटर, मिर्ची, गोभी, प्याज, ये सब आते हैं यहाँ बेचने के लिए। यहाँ बहुत सारे छोटे किसान होते हैं और ये हम देखते हैं कि कितना फ्रेश है। और ज़्यादातर हर गांव में ऐसे छोटे मोटे बाज़ार बनते हैं, वहाँ सारे आजू बाजू के गांव के लोग आके सब्जियाँ लेके घर निकल जाते हैं। और यहाँ ज़्यादा करके आपको फ्रेश सब्जी मिलती है, जैसे किसी सिटी में, किसी मतलब शहर में ज़्यादातर आपको मॉल्स मिलेंगे, वहाँ आप सब्जी खरीदोगे। लेकिन वहाँ ज़्यादातर बहुत देर की सब्जियाँ मतलब हार्वेस्ट करने के बाद आपको बहुत देर के बाद आपको सब्जी मिलती है, जो ज़्यादातर के फ्रीज़र में और एसी में रखी हुई, मॉल्स में रखी हुई सब्जी, वो भी ज़्यादातर कॉस्ट में मिलती है। यह आपको बहुत ही बहुत सस्ते में सब्जी मिलती है और फ्रेश सब्जी मिलती है। ये देख लीजिए, यहाँ मतलब कुछ फरसांस है, वो भी हमारे सामने ही बनाते हैं। फरसांस, भजिया, जलेबी, ये सब यही बनता है और यहाँ फ्रेश बना हुआ सेल किया जाता है। और यहाँ मतलब आजू बाजू के गांव के लोग आके यहाँ से ख़रीदते हैं, हफ्ते में एक ही बार यहाँ बनता है। ये देख लीजिए, ये बहुत से जो गाँव के औरतें हैं वो घर की सब्जियां लेके आकर बाजार में बेचते हैं। इसमें एक फायदा होता है कि हर छोटे मोटे किसान को एक छोटा सा रोजगार मिल जाता है और बाकी लोगों को भी एक फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो हमें बाकी शहरों में इतना फ्रेश वेजिटेबल नहीं मिलता। और यहाँ ऐसे बाजारों में फ्रेश वेजिटेबल मिलता है और वो भी कई गुना सस्ता, शहर से कई गुना सस्ता होता है। आप देख सकते हो कि कितना कितने बुजुर्ग होके भी यहाँ आके यहाँ किसान सब्जियाँ बेचते हैं। बाकी छोटे मोटे टेंट किए जाते हैं क्योंकि गर्मी में इनको धूप ना लगे, इसके लिए क्योंकि इनको दिन भर यहाँ बैठना पड़ता है। कुछ बेकरी वाले भी होते हैं, कुछ सब्जी वाले होते हैं, हर तरीके के लोग यहाँ आके अपना सब्जियाँ बेचते हैं। कोई प्याज बेच रहा है, कोई लहसुन बेच रहा है, कोई बीट बेच रहा है। देख सकते हो आप, मेरे पीछे मैंने दिख रहा होगा आपको कि कोई बैंगन बेच रहा है, बहुत सारा सब्जियां आके, अदरक कोई बेच रहा है। देखो किस तरह से यहाँ आके मतलब छोटे मोटे किसान यहाँ सब्जियां बेचते हैं और उनको इस वजह से एक छोटा मोटा रोज़गार मिल जाता है और बाकी लोगों को फ्रेश वेजिटेबल मिल जाते हैं, जो हमें भी इस तरह से हमें मतलब सब्जियाँ खरीदनी चाहिए, क्योंकि हर किसान को या उसको एक छोटा उसको उसका हक मिल जाता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट कस्टमर टू किसान, इसमें मतलब ज़्यादा कोई व्यापारी वगैरह नहीं होते। और उसमें से हमें भी फायदा होता है कि हमें सब्जियां सस्ते में मिलती है, किसान को भी अच्छा मतलब एक व्यापारी को मतलब देने से अच्छा कॉस्ट में सब्जी मिल जा अपना सब्जी का रेट मिल जाता है। आप देख सकते हो मतलब इसमें दोनों का भी फायदा होता है, एक किसान का भी फायदा होता है, ग्राहक का भी फायदा होता है। और देखो कोई मतलब केले लेके आए हैं, कोई कोतंबीर लेके आए हैं, हर कोई मतलब घर का सब्जी लेके आया है। बड़े बुजुर्ग सब यहाँ के बेचते हैं, देख सकते हो आप। और कोई मतलब थोड़ा बहुत शोर होता है, लेकिन अच्छा है, आपको एक देखने को मिला होगा ये मतलब गांव का बाजार कैसा होता है। चलो अभी हम लोग और आगे जाते हैं, आपको थोड़ा बहुत अलग एक मार्केट दिखाता हूँ। मतलब उसमें यहाँ बहुत सारा मतलब आपको सब्जी वेजिटेबल वो तो मिलते ही है, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे यहाँ आपको अलग से फिश मार्केट भी यहाँ होता है छोटा सा, क्योंकि आजू बाजू के लोग जहाँ यहाँ फिश पकड़ते हैं वो भी यहाँ ही सेल करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ एकदम तो मतलब फ्रेश फिशेस होते हैं। देखो मेरे पीछे पूरे फिशेस हैं, ये पूरे फ्रेश फिशेस होते हैं जो तालाब से पकड़ के आकर ये बाज़ार में बेचते हैं।
गांव साइड में इतना बेनिफिट होता है कि ज़्यादा करके आपको बर्फ की फिशेज नहीं मिलेंगी, फ्रेश फ्रेश फिशेज मिलेंगी। इसलिए मतलब हमें अगर शहर के मुकाबले अगर देखी जाए तो हम बहुत ही सस्ते में और अच्छे क्वालिटी का फूड हमें यहाँ मिलता है। फिर सब्जी पकड़ो या फिशेज पकड़ो, जो भी अभी ये मैंगोज है, कोई मतलब हर कोई मैंगो फार्मर्स लेके आते हैं, या तो फिर छोटे मोटे व्यापारी होते हैं फार्मर, उनको बेचते हैं, उनसे हम लोग खरीदते हैं। चलो अभी हमारा बाजार तो ख़त्म हो गया, अभी हमारा एक मेरे जॉब के मेरे पार्टनर हैं, हमारे काम के कलीग है, तो थोड़ा सा चिल मारते हैं, थोड़ा सा गन्ने का जूस अगर नहीं पियेंगे तो बाजार अधूरा हो जाएगा बिना गन्ने के जूस का। तो धूप में वो पीना बहुत अच्छा लगता है, गन्ने का जूस काफ़ी खूबसूरत उसका टेस्ट होता है, जो हमें फ्रेश फ्रेश गन्ने का जूस हमें काट के हमें वो मशीन से निकाल के दे देते हैं। चलो कैसा लगा आपको ये बाजार का व्यू, कमेंट करके बताइएगा, और कुछ गलतियाँ होगी तो भी बताइएगा।